नितेश कुमार और आप देख रहे हैं GTM यानी कि जनरल टॉक्स ऑन मूवीज। तो आज मैं जिस फिल्म की आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ उस फिल्म का अभी मैं आप लोगों को नाम नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे ही मैं नाम बताऊंगा आप तुरंत ही उस मूवी को देखने चले जाएंगे और इस वीडियो को स्किप कर देंगे। तो पहले उसके बारे में कुछ सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके टाइप का मूवी हो तभी उस मूवी में आप 2 घंटे टाइम खराब कीजिए, वरना मत कीजिए प्लीज। तो इसको लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कैसे आप उस मूवी को देख सकते हैं। तो इस मूवी को आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। इस मूवी को मिली है 6.6 की रेटिंग IMDb पे, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है। इसे बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखा है YouTube पे अवेलेबल होने के बावजूद, इसलिए मैं इस फिल्म को आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी मूवी, या यूँ कहें अगर हम इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट हाफ है वो आपको एक सिंपल, जैसे कि एक साउथ मूवी शुरू होती है उसी टाइप का लगेगा। कोई भी चेंज नहीं, लव स्टोरी शुरुआत हो रही होती है और कुछ दोस्तों के बीच में थोड़े बहुत, जो कि अक्सर आपको साउथ की मूवीज़ में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जो इस मूवी को हटकर बनाती है या अलग बनाती है वो है इसका सेकेंड पार्ट, यानी कि इंटरवल के बाद का पार्ट। इंटरवल में इसमें एक बहुत ही भयानक ट्विस्ट आता है और वो मैं ट्विस्ट आपको बता दूंगा, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े ट्विस्ट इस फिल्म में लास्ट में आपको क्लाइमेक्स में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इस मूवी को कभी भी आप बीच में या इंटरवल तक आप बोर होते होते छोड़ कर मत जाइएगा। वैसे तो ये मूवी इंटरवल तक बोर नहीं करती है, क्योंकि मैं खुद वैसी मूवी नहीं देखता हूँ जो इंटरवल तक मुझे बोर कर दे। ये आपको थोड़ा बांध कर रखेगी, लेकिन आपको ट्विस्ट एंड टर्म्स इंटरवल के बाद ही देखने के लिए। तो होता क्या है कि 4 दोस्त होते हैं जिसमें से हमारे हीरो भी एक होते हैं, और चारों दोस्त बहुत ही रिच फैमिली से होते हैं। बस हमारा जो हीरो है वो एक सिंपल फैमिली से होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से, और जो चारों हैं वो किसी, कोई कमिश्नर का बेटा है, कोई मंत्री का बेटा है, इस टाइप से होता है। तो चारों एक साथ बहुत ही घूमते फिरते हैं, लेकिन एक न्यू ईयर ईव के दिन, न्यू ईयर से एक दिन पहले यानी कि 31st के नाइट को कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी से, और उसकी वजह से ये इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। वो तीनों तो बचते रहते हैं इंटरवल तक, लेकिन जो मिडिल क्लास का बच्चा है वो बहुत पूरी तरह से फंस जाता है इस खेल में। और लास्ट में क्लाइमेक्स बहुत ही भयंकर लिखा गया है इसका। और ये जो है अपने दोस्तों के लिए जान देने के लिए तुला रहता है लास्ट तक। जो मिडिल क्लास वाला बच्चा है वो लास्ट तक जान देने के लिए तुला रहता है। सबको शक होने लगता है कि शायद उसके दोस्तों ने ही कुछ गड़बड़ किया और इसे फंसा दिया, या फिर इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं उसके दोस्त ही। लेकिन ये आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा कि वो क्या कर रहे हैं या नहीं। तो आप क्लाइमेक्स में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है और बहुत ही भयंकर ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए आप इसको क्लाइमेक्स तक जरूर देखिए। इस मूवी का नाम है खून खराबा मूवी, जो कि आप जैसे ही यूट्यूब पर सर्च करेंगे खून खराबा फुल हिंदी डब मूवी, वो आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा और उसे आप देख लीजिए। पूरे 2 घंटे की मूवी है, फर्स्ट हाफ में कुछ खास नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। तो आपको आज का ये सेशन मेरा कैसा लगा इसे नीचे कमेंट करके बताएं, और आगे रिकमेंड करें मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्मों की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जो कि बहुत ही अंडर रेट रह गई या फिर उसे देखा नहीं गया। उस टाइप की मैं मूवी बहुत सारे लाने वाला हूँ, बहुत ही ढूंढ ढूंढ कर, मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है इसके लिए, ढूंढ ढूंढ कर खोज खोज कर ऐसी मूवी मैं निकालूंगा। अपने 2 घंटे बर्बाद करके आपके 2 घंटे सेव करूंगा, और या फिर आपको मूवी नहीं मिल पाती है तो मैं एक आपको अच्छी मूवी दे सकता हूँ। तो इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके प्लीज़ चाहिए।